हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। और आप सबसे पहले मुझे यार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। और आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट अमंग इंडियंस का पार्ट टू। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट अमंग इंडियंस का पार्ट वन तक पूरा प्रोसेस कर लिया था, ठीक है। और अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बार आप बता दीजिएगा, फिर हम लोग सेशन को आगे देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरी वन। और आई होप यार कि आप लोगों ने कल वाले सारे के सारे जितने भी मैंने कराए थे फर्स्ट अमंग इंडियंस, आप सभी बच्चों ने उसको कर लिया होगा। और अभी हम लोग आगे का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता दो यार, ठीक है। सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। मुझे एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएं कि हाँ मैं ऑडिबल हूँ, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, सारे बच्चे आ चुके हैं, पाबरी, सूर्या, अनुपम, पायल, आकाश, एवरीवन, है ना, ऑडिबल हूँ ना, हेलो एवरीवन, ओके। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सब नॉर्मल है ना। चलें आगे, चलो चलें आगे, ओके ओके, चलिए मैं ऑडिबल हूँ, चलिए अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले याद आपको ये रखना है कि जो भी मैंने सेशन कराए हैं उनको एक बार रिवाइज करके आया करो, जब भी क्लास में आया करो, ठीक है। तो अपना पुराना भी होता रहेगा और न्यू भी अपन लोग साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक। चलो तो अब आज का सेशन जो है दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जानते ही हो आप लोग हेडिंग क्या है, तो बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी थी। क्या आंसर? सरोजिनी नायडू जी थी। और इनके बारे में दोस्तों अगर बात करूं तो ये गवर्नर बनी थी कहां पर? यूपी में बनी थी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में ये गवर्नर बनी थी, राज्यपाल बनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। अब दोस्तों अगर मैं अगली बात करूं इनके बारे में, सरोजिनी नायडू जी के बारे में, तो याद रखना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी ये क्या थी भाई? फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी यही थी, है ना, यानी कि पहली जो महिला आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट भी यही थी। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ ध्यान से, मैंने क्या बोला? फर्स्ट वुमेन गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल जो बनी किसी भी स्टेट की, उनका नाम था सरोजिनी नायडू, और एक कौन से स्टेट की बनी? यूपी की। दूसरी बात, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यानी कि पहली महिला अध्यक्ष भी जो बनी वो कोई और नहीं थी, वो कौन थी दोस्तों? वो थी सरोजिनी नायडू जी थी। आई होप यार इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी बच्चों को ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला वाला दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी जी। और अगर बारे में बात करूँ ये भी कौन से स्टेट में बनी थी, तो यूपी में बनी थी, पर आपके लिए नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुचेता कृपलानी, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग यार कमेंट करके मुझे बताओ कि स्पीड ज़्यादा या फिर कम, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ना किसी को, सब कुछ सही चल रहा ना, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर हो गया, फर्स्ट वुमेन सीएम हो गया। अगला क्या है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि पहली महिला विदेश सचिव, है ना। और याद रखना ये सारी बातें किसके रिगार्डिंग में हो रही, इंडियन के रिगार्डिंग भी हो रही है। हाँ जी मीनू कुमारी जी, फर्स्ट वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी, पहली महिला विदेश सचिव कौन बनी थी। तो आंसर क्या है भाई? चोकीला अय्यर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इतना स्टार यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, बट अगर अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है पूछ ले, बट स्टार्टिंग के जो ये जो दो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो, है ना, इंडियन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंटेस्ट इलेक्शन, पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने चुनाव लड़ा था। तो आंसर क्या था दोस्तों? कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहली भारतीय महिला जिन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा था। तो आंसर क्या है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। उतना ज़्यादा ये एग्जाम में देखने को नहीं मिलता इसलिए मैं यहाँ पर स्टार मार्क नहीं करा रहा हूँ, पर हाँ आपको पता होना चाहिए।
हाँ जी, मीनू, पायल, आकाश, अंकित, करुणेश, अंकित और करुणेश भाई। हाँ चलो ठीक है भाई, यार सेशन को शेयर करते रहना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना, सेशन को शेयर करना है आप सब लोगों को। चलो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट इंडियन जिन्हें अपॉइंट किया गया था यूनाइटेड नेशन के सिविलियन पुलिस एडवाइजर के रूप में, फर्स्ट पहली भारतीय जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की, जो आप बोल सकते हो जो जो पुलिस होती है उसकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर कौन थे भाई, किरण बेदी जी थी। आंसर क्या था इसका, किरण बेदी जी। ठीक है अगला, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे फर्स्ट रॉ चीफ कौन थे। रॉ आप जानते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हाँ जी हिमाद्री, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग विंग जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, उसके फर्स्ट चीफ कौन थे, आर एन काओ, रामेश्वर नाथ काओ, रामेश्वर नाथ काओ। अगला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। और ये वाला आप जो पॉइंट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि पहले भारतीय गवर्नर जो आरबीआई के बने उनका नाम क्या था, सी डी देशमुख। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो आंसर आपको मैं इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि बने थे दोस्तों 1935 में, अगर मैं बात करूं तो वो ब्रिटिश थे और उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। पर अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट इंडियन बने थे तो उनका नाम क्या था भाई, सी डी देशमुख, है ना। 1935 में कौन बने थे दोस्तों, फर्स्ट जब आरबीआई बना था तो नाम था उनका ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये बात हो रही किसकी, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की। ठीक है, पर अगर दोस्तों मैं बात करूं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे आरबीआई के वो कौन थे, तो आंसर क्या बताना है, सी डी देशमुख। अगला, फर्स्ट वुमेन टू बिकम डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो पहली महिला जो आप क्या बोल सकते हैं डिप्टी गवर्नर बनती हैं आरबीआई में, उनका नाम क्या है, के जी उड़ेसी, के जी उड़ेसी, के जे उड़ेसी। ठीक है, के जे उड़ेसी, है ना, लेकिन जो ऊपर के दो में मैंने स्टार लगाया है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ, इसको तो यार स्टार लगा लेना तीन चार। फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस का मतलब क्या होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे दोस्तों, तो आंसर क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और नियर अबाउट मैं बात करूं तो 1864 के आसपास इन्होंने क्या किया था, क्रैक किया था क्या, इंडियन सिविल सर्विसेज को। क्या नाम है इनका, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला वाला फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मुख्य निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और निर्वाचन की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, मुख्य चुनाव आयुक्त। आप लोग एसएससी का पेपर उठा के देख लेना कितने बार आपको दिख जाएगा, सुकुमार सेन जी। आंसर क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन जी, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज अगर बोल दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया गया कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुकुमार सेन, ये दोनों बार बार आता है एग्जाम में। देखो जहां पर स्टार लगा रहा हूं ना उसको छोड़ना मत। फर्स्ट वुमेन आईएएस, है ना, फर्स्ट वुमेन आईएएस, है ना, पहली भारतीय महिला जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज निकाला, उनका नाम क्या था, अन्ना राजम जॉर्ज, अन्ना राजम जॉर्ज। हाँ जी धनुप मेनन जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना, अन्ना राजम जॉर्ज, अन्ना राजम जॉर्ज। और फर्स्ट वुमेन जिन्होंने आईपीएस क्लियर किया, ये आप सभी जानते हो, नाम क्या है, किरण बेदी जी। नाम क्या है दोस्तों, किरण बेदी जी, ठीक है ना। अगला, ये उतना ज़्यादा एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, है ना, भारत के जो राज्यसभा है उसकी पहली, अगर हम लोग बात करें पहली जो सेक्रेटरी जनरल रही वो कौन थी, वी एस रामा देवी,
ये वाला उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बट क्योंकि वुमेन से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अगला, फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो आंसर क्या है भाई? लक्ष्मी एन मेनन। आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी एन मेनन, लक्ष्मी एन मेनन। देन वुमेन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओवरऑल भी यही है और अगर वुमेन ने पूछ लिया तो भी यही है। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। अगर वुमेन के नाम से पूछा तो भी आंसर यही होगा, ओवरऑल भी यही थी, विजया लक्ष्मी पंडित, और ऐसे भी, ठीक है। अब हम लोग जो गवर्नेंस वाला कल तक पढ़ रहे थे वो वाला खत्म, और अब चालू हो रहा है क्या? अवार्ड एंड ऑनर। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? अवार्ड एंड ऑनर। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? अवार्ड एंड ऑनर। और याद रखना, जो अवार्ड एंड ऑनर है ये यहाँ से जो फर्स्ट इंडियन है ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, यहाँ से जो फर्स्ट इंडियन है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हाँ जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ जी, चलिए कोई नहीं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, मीनू कुमारी जी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। चलो, अब पहला भारत रत्न किसको मिला? पहला भारत रत्न, आप सभी जानते हो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, आप सभी जानते हो ये क्या है, हाईएस्ट ऑनर है इंडिया में, इंडिया का जो हाईएस्ट ऑनर है वो यही है, कौन सा? भारत रत्न, ठीक है। भारत का जो सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है वो यही है, और आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सीवी रमन। और भारत रत्न जो अवार्ड है उसकी शुरुआत कब से हुई है? 1954। अब अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तो जो भारत रत्न है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ये इंडिया का हाईएस्ट, अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। हर साल ये नहीं दिया जाता है और एक साल में मैक्सिमम ये 3 लोगों को दिया जा सकता है, और फर्स्ट टाइम जब ये दिया गया तो ये दिया गया था 1954 में, और ये दिया गया था 3 लोगों को। 3 लोग कौन कौन से थे? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके अलावा कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। क्या नाम था? सी राजा गोपालाचारी। और बहुत सारी जो बुक्स हैं दोस्तों वो भारत रत्न में लिख करके क्या देखती हैं? सी सी राजा गोपालाचारी। क्या लिख करके दे देती हैं? सी राजा गोपालाचारी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वहां पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया है वो कौन थे दोस्तों? तो आंसर है डॉक्टर सीवी रमन। तो याद रखना प्लीज, है ना, आप इधर उधर जो बुक्स हैं उनसे मत घबराना, ये जो मैंने डाटा दिया ये कहाँ से दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी यार, किसी को दिक्कत हो तो बता दो। अंकित यादव भाई, रिसेंट का अपन पढ़ेंगे करंट में, ठीक है ना। अभी ये स्टैटिक वाला एक बार अपन फिनिश कर लेते हैं, रिसेंट वाला अपन करंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आओ, फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड, है ना, फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड। अगर दोस्तों मैं बात करूं जो सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड है या फिर एकेडमी अवार्ड है, अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं भाई ये कौन सी फील्ड में मिलता है? तो ये मिलता है किसमें? सिनेमा में, है ना। किसमें मिलता है? सिनेमा में ऑस्कर अवार्ड मिलता है। और पहले इंडियन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था उनका नाम क्या था? भानु अतैया। क्या नाम था दोस्तों? भानु अतैया। हाँ जी भाई, सुभाषेश और सूर्या, ठीक है, भानु अतैया। और अगर मैं बात करूँ इनको मिला था जिस मूवी के लिए, उस मूवी का नाम था गांधी, और इनको मिला था कॉस्ट्यूम के लिए। किस चीज़ के लिए मिला था? कॉस्ट्यूम के लिए, ठीक है। तो भानु अतैया। अगला, फर्स्ट इंडियन जिनको बुकर प्राइज़ मिला था, और आप जानते हो भाई ये बुकर प्राइज़ जो है वो किस चीज़ में मिलता है? अगर बात करूँ तो ये आप जानते हो भाई लिटरेसी है ना, उसमें मिलता है। और बेसिकली ये कहाँ पे मिलता है? यूके में, ठीक है ना। तो सलमान रश्दी बहुत ही फेमस क्या है भाई, नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, तो वो पहले इंडियन है जिनको क्या मिला था भाई? बुकर प्राइज़ मिला था। और अगर इनके बारे में बात करूँ तो आप जानते हो जैसे कि मिड नाइट चिल्ड्रन, है ना, आप बोलें, है ना, ये इनकी बहुत ही फेमस बुक में से एक है। सैटेनिक वर्सेस, वो भी इनकी फेमस बुक में से एक है ना। तो ये हैं सलमान रश्दी, जिनको, जो पहले भारतीय थे जिनको क्या मिला था? बुकर प्राइज़ मिला था। चलो, हाँ जी भाई करुणेश, जिनको क्या मिला था? बुकर प्राइज़ मिला था। आगे देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन
पहली भारतीय महिला जिनको बुकर प्राइज मिला तो काफी इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय। और इनको जिस बुक के लिए मिला था उसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ जी, मीनू कुमारी, वो भी उन्हीं की है। ठीक है, हाँ, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था बुकर प्राइज, ठीक है ना, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको बोलते हैं नोबेल ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं? नोबेल ऑफ एशिया। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये रमन मैगसेसे अवार्ड है क्या? तो फिलीपींस के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रमन मैगसेसे। क्या नाम था? रमन मैगसेसे नाम था। और उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड बनाया गया जिसका नाम था क्या, रमन मैगसेसे अवार्ड, या फिर सिर्फ आप मैगसेसे अवार्ड बोल देते हो। और अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट ईयर है उसमें किसको मिला था, जो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है, क्या नाम है उनका, रवीश कुमार, उनको भी मिला है क्या रमन मैगसेसे अवार्ड। पर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इंडियन कौन थे जिनको रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, तो आंसर है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। और याद रखना कि रमन मैगसेसे अवार्ड जो सबसे ज़्यादा किस कंट्री के लोगों को मिला है, मैक्सिमम जो है ये किस कंट्री के लोगों को मिला है, तो वो भी इंडिया ही है। इंडिया के लोगों को ही सबसे ज़्यादा मिला है क्या, रमन मैगसेसे अवार्ड। हाँ जी विवेक भाई, गुड आफ्टरनून, कई दिन बाद दिख रहे हो आप। आचार्य नोबेल ऑफ एशिया, हाँ जी। अंकित रिसेंटली, रविश कुमार विंडीज, हाँ जी, रविश कुमार को मिला था रमन मैगसेसे अवार्ड, काफ़ी फेमस अवार्ड है। चलो, हाँ, अभी हमने बताया कि जो फर्स्ट भारत रत्न था वो किसको मिला, तो आप सभी बच्चे जानते हैं डॉक्टर सीवी रमन, है ना। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, तो ये एक बंदी है जिनका नाम क्या, एम एस सुबा लक्ष्मी। क्या नाम है? एम एस सुबा लक्ष्मी। नाम क्या है? एम एस सुबा लक्ष्मी। एम एस सुबा लक्ष्मी, याद रखना इनको, इनके बारे में याद रखना है भाई आपको, ठीक है ना। एम एस सुबा लक्ष्मी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। हाँ जी, हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इसको कराया। चलो, हाँ, नेक्स्ट, इंडियन एक्ट्रेस टू बी अवार्डेड पद्मश्री। भारत की वो सबसे पहली एक्ट्रेस कौन थी दोस्तों जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिनको क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिनका नाम क्या है, नरगिस दत्त। मैं यार आप लोगों को अलग से एक अवार्ड एंड ऑनर पढ़ाऊंगा जिसमें मैं सारे अवार्ड के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे अवार्ड के बारे में बताऊंगा। ओके विवेक, आदर्श, अच्छा, UP64 के में आपकी फर्स्ट क्लास है। ओके भाई, आप प्लेलिस्ट में जा करके पूरी क्लास देखिएगा। हाँ जी, साउथ की। चलो, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो ज्योग्राफी वगैरह के लेक्चर जा करके देखो, उसमें अब तक मैंने 9 लेक्चर ले लिए हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके का ये हमारा कौन से नंबर का क्लास है? फोर्थ क्लास है। चलो, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, है ना। ये सबसे पहले तो बता देता हूँ, जो दादा साहब फाल्के हैं इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। दादा साहब फाल्के को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। और हर साल जो सिनेमा में के फील्ड में, या फिर आप बोलो कि भाई जो मूवीज़ वगैरह उनके फील्ड में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है ना, उसी अवार्ड का नाम क्या है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है ना। क्या नाम है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। और सबसे पहले जो अवार्ड जिनको मिला था उनका नाम था देविका रानी। और ये वाला क्वेश्चन आपसे इतनी बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट दादा साहब अवार्ड किसको मिला है, तो आंसर क्या है दोस्तों, देविका रानी। विवेक कुमार भाई, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, ट्राई कर रहा हूँ कि क्लास लिया जा सके, ठीक है। चलो, है ना यार, शेयर किया करो लेकिन आप लोग क्लासेस को, ठीक है, फिर मैं और भी अच्छे टॉपिक्स इसमें लेकर के आता जाऊंगा स्टैटिक जीके के। चलो, अब अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक के फील्ड में, अगर हम लोग बात करें तो लता मंगेशकर अवार्ड है, और जो सबसे पहला लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया, नौशाद को दिया गया। हाँ जी भाई, अंकित यादव जी, आप सही बोल रहे हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था रिसेंटली, अमिताभ बच्चन जी को मिला था, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला, नौशाद को। किसको मिला दोस्तों? नौशाद को। उसके बाद यहाँ पे आओ, निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान। अब ये है क्या, सुनो।
हाँ उन्हीं की बात हो रही, मीनू कुमारी जी, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। अब मेरी बात सुनो कि क्या बोलते हैं, निशाने पाकिस्तान है क्या? जैसे इंडिया में क्या है भाई, भारत रत्न है, उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है निशाने पाकिस्तान। और निशाने पाकिस्तान जो पहले इंडियन को मिला, पहले भारतीय जिनको क्या मिला दोस्तों निशाने पाकिस्तान, वो कौन है? वो है मुरारजी देसाई, ठीक है ना? वो कौन थे? मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई जो हैं वो ऐसे, अगर आप बोल सकते हैं भाई, मुरारजी देसाई जो हैं वो ऐसे इंडियन हैं जिनको सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या दिया, उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम क्या था? निशाने पाकिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? निशाने पाकिस्तान। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड कौन थी? फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड कौन थी? फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड कौन थी? तो आंसर क्या है भाई? रीता फारिया। फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा? रीता फारिया। और उसके बाद में अगर बात करूं तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर रीता फारिया, क्योंकि इन्होंने, आप बोल सकते हैं भाई कि जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री, उसको ज्वाइन नहीं किया, बाद में इन्होंने क्या किया, ये डॉक्टर बन गई, ठीक है ना? डॉक्टर रीता फारिया। तो यही बंदी क्या थी भाई? फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी, फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी। हाँ जी, अगर आप मुरारजी देसाई के बारे में बात कर रहे, रिया जी, ठीक है, चलो अगला आ जाओ। फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो आंसर था सुष्मिता सेन। आंसर क्या है? सुष्मिता सेन। आंसर है सुष्मिता सेन। अगला क्या है? फर्स्ट इंडियन दोस्तों जिनको नोबेल प्राइज मिला, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला, या फिर आप यहाँ पे एक बात और याद रख लेता, ये मिला है किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1930 में। और आपको एक बात और बता दूँ, अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो भी आप आंसर क्या लगाना? रविन्द्रनाथ टैगोर को। एशिया से भी ये पहले बंदे थे जिनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज। और अगर मैं दोस्तों बात करूं तो क्यों मिला था, तो आप जानते हो, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है ना? फर्स्ट इंडियन या फिर फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी राकेश जी, डन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन जिनको ओलंपिक में मेडल मिला, तो 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, वहां पर अगर मैं बात करूं तो किसको मिला था? नॉर्मन प्रिचार्ड को। और अगर मैं बात करूं, ये एंग्लो इंडियन थे, अगर इनके बारे में बात करूं तो ये एंग्लो इंडियन थे। ये क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन जिनको मेडल मिला था, तो इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं फर्स्ट फर्स्ट क्लास में। क्या नाम है भाई इनका? के डी जाधव। क्या नाम है इनका? के डी जाधव, है ना? जो ओलंपिक हुए थे कहाँ पर? फिनलैंड में। वहां पर इनको किस चीज में मिला था भाई? रेसलिंग में मेडल मिला था। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। और ये नॉर्मन प्रिचार्ड है, अगर दोस्तों इनके बारे में बात करूँ तो ये क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ के डी जाधव जी के बारे में, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ रेसलिंग में। हाँ जी, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सब। अगला वाला स्टार लगा लेना। सबसे पहले आप लोग याद रखो, वर्ल्ड फूड डे कब आता है? ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, वर्ल्ड फूड डे कब आता है? आंसर हो जाएगा 16th अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे कब आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 16th अक्टूबर। आंसर क्या हो जाएगा? 16th अक्टूबर, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो सबसे पहला मिला है, वो किसको मिला है? मिस्टर एम एस स्वामीनाथन जी को। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं, जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, इन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ जी रिया जी, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। और आप सभी जानते हो दोस्तों, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इंडिया में 1966 से लेकर के 69 तक इंडिया में क्या चला था दोस्तों? ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में जिस बंदे ने चलवाया था, वो कौन थे? मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना? मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। हाँ जी, निकेत ताम्रकार भाई, तो हिस्ट्री के अभी जब क्लास लूंगा ना शाम को, तो वहां पर आप आना और जो भी डाउट हो पूछ लेना, या फिर अभी पूछ लेना लेक्चर के एंड में, ठीक है ना? लेक्चर के एंड में डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये साइंस के फील्ड में मिलता है। शांति
भटनागर अवार्ड ये कौन से फील्ड में मिलता है? साइंस के फील्ड में मिलता है। और जो फर्स्ट थे वो कौन थे? आत्माराम। वो कौन थे? आत्माराम, ठीक है ना। नाम क्या था? आत्माराम। हाँ जी, ग्रीन रेवोल्यूशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। अगला है ज्ञानपीठ अवार्ड, ये लिटरेचर के फील्ड में मिलता है, साहित्य के फील्ड में मिलता है। और जो फर्स्ट थे उनका नाम क्या था? जी शंकरा कुरूप। क्या नाम था? जी शंकरा कुरूप, जी शंकरा कुरूप। हाँ जी, वर्गीज कुरियन वाइट रिवॉल्यूशन अपन पढ़ चुके हैं ये, है ना। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड, है ना, लिटरेचर में ही मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ ये सबसे पहले किसको मिला है भाई? आर के नारायण पर। अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, पहली महिला कौन थी, फर्स्ट वुमेन कौन थी या फिर पहली महिला कौन थी जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, तो आंसर क्या है भाई? अमृता प्रीतम। आंसर क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। आंसर क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखेंगे और कल एक छोटा सा लेक्चर लेकर के ये वाला टॉपिक मैं फिनिश कर दूंगा। अब भाई क्या डाउट पूछ रहे थे आप पूछ लो, अब जिसको जो भी डाउट पूछना है पूछो। और जितने लोग भी इस चैनल पे आए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर वीडियो सही लगे हो तो लाइक करो, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आप लोग अब डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी आपको पूछना है। आप हिस्ट्री का कोई डाउट पूछ रहे थे, क्या था बताइए, अदरवाइज हम लोग सेशन को क्या करेंगे भाई? एंड करेंगे। अमृता प्रीतम, फाउंडेशन कौन सा होता है ज्ञानपीठ के लिए? बेटा लिटरेचर है, लिटरेचर यानी कि साहित्य के फील्ड में मिलेगा आपको, साहित्य के फील्ड में आपको दिया जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है भाई। कौन से फील्ड में दिया जाएगा? लिटरेचर के फील्ड में, है ना हर्ष, यही पूछना चाह रहे हो ना आप, कौन से फील्ड में ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। एंग्लो इंडियन कौन है? अच्छा लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखा देता हूँ। एंग्लो इंडियन कौन है? तो देखो एंग्लो इंडियन आप ये समझ लो, मदर या फादर में से कोई एक क्या हो इंडियन हो और कोई एक क्या हो यूरोपियन हो, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। हाँ जी, लास्ट थ्री क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एट्थ पे के बारे में क्या बताना है भाई, बताओ। हाँ सुभाषिश भाई, ट्राई करूँगा मैं क्विज वगैरह लेने का इस संडे को। तो भाई क्विज उसका है ना, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, अन अकेडमी पे, ठीक है। और यार आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ते जाओ, इसको थोड़ा सा अपन बेटर प्लान करेंगे। हाँ जी अचुअनी, पूरा सिलेबस ही ट्राई कर रहे हैं भाई। और आपको बता देता हूँ कि 4th of July से मेरा एक प्लस कोर्स भी आ रहा है, ठीक है, सब लोग को मैं ये बात बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो एक कोर्स भी आने वाला है मेरा, नियर अबाउट 4th of July से आएगा। और ये किस में आएगा? अन अकेडमी प्लस पे आएगा, ठीक है। और मैं वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी पढ़ेंगे। और जो बच्चे भी प्लस में आना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सिलेबस जल्द से जल्द फिनिश करना चाहिए, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी चल रही है, वहाँ पे मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई। और अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो जितना भी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज होगा वो भी मिलेगा। और जितने भी एजुकेटर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे वो मैकेनिकल के हों, चाहे वो सिविल के हों, या फिर चाहे कोई नॉन टेक फैकल्टी हो, समझ पा रहे हैं, सबके लेक्चर आप लोग देख सकते हो। बस आप लोग SSC कैटेगरी में जा करके उसको परचेस कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है जो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो 10%। 5 PM बिल्कुल क्लास है भाई ज्योग्राफी की। थैंक यू भाई अच्छी, ठीक है ना। हाँ जी चलिए फिर अपन लोग अब मिलते हैं, ठीक है ना। बाय बाय, अगर आप लोग के कोई डाउट नहीं तो अपन लोग अब चलते हैं, बाय, है ना। मिलते हैं दोस्तों अपन लोग ठीक 5 बजे, तब तक के लिए ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं डाउट आपके ले लूँगा, कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है, बता दीजिएगा मुझे। चलिए।